हम बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट पोलैरिटी की, प्रॉपर पोलैरिटी ऑन द लेफ्ट राइट एक्सिस ऑफ द ह्यूमन एनर्जी फील्ड इज रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, व्हिच इज आल्सो सीन एज द फेमिनाइन एनर्जी, है ना, जो लेफ्ट साइड होती है दैट इज द फेमिनाइन एनर्जी, एंड गिविंग एनर्जी फ्रॉम द राइट साइड व्हिच इज आल्सो सीन एज द मैस्कुलाइन एनर्जी. हम कहते हैं शिव जो होते हैं वो करते हैं कार्य को करते हैं, तो वो गिविंग एनर्जी है, जो शक्ति है वो पूरी एनर्जी देती है, तो शी इज द रिसीविंग एनर्जी. तो ऐसे शिव एंड शक्ति को हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है. इन ह्यूमन सेक्सुअल एनाटॉमी द फेमिनाइन रिसीव्स, हम सेक्सुअल और एनाटॉमी में भी देखे यही होता है ना कि फेमिनाइन रिसीव करती है और मैस्कुलाइन गिव, राइट. तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, प्रकृति ऐसे ही बनी है. टू अंडरस्टैंड पोलैरिटी बिटवीन वी टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लांट किंगडम. अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम क्या होता है. प्लांट हैज रूट्स दैट ग्रो डाउन इनटू द अर्थ. ये जो प्लांट की रूट्स है, ठीक है, वो कहाँ जाती है, दे गो डाउन, ठीक है, द स्टेम एंड द लीव्स ग्रोज अप. आप ये देखिए एक ये एनर्जी सेंटर है, ये जो एनर्जी सेंटर में से अब कहाँ कहाँ चीजें जा रही हैं, जो रूट्स है वो नीचे जाएंगी, जो स्टेम्स एंड लीव्स है वो ऊपर जाएगा, मतलब ये एक एनर्जी सेंटर और चारों तरफ ये अपनी चीजें भेज रहा है. हाउ डज अ प्लांट सेल नो वेयर टू गो, वेदर टू गो अप और डाउन, क्योंकि ये पोलैरिटी है, ठीक है. जो सीड है उसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि किस चीज को नीचे जाना है और किस चीज को ऊपर जाना है, राइट. हम भी तो बढ़ते हैं, जस्ट एक सेकेंड. ठीक है, हम लोग भी बढ़ते हैं, लेकिन हमारी पोलैरिटी हमें क्या कहती है, हम वी डोंट ग्रो लाइक सीड. हम ऊपर बढ़े या नीचे बढ़ रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, लेकिन जो प्लांट है उसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है, सेलुलर इंफॉर्मेशन है कि जो रूट्स है वो नीचे ही जाएंगी, ठीक है, और लीव्स ऊपर ही बढ़ेंगी. तो सीड हैज नो पोलैरिटी. व्हेन इट जर्मिनेट्स द साइड दैट पॉइंट्स अप. क्या हम सीड को ये देखकर करते हैं कि, है ना यार, ये वाला साइड तो ऊपर ही बढ़ेगा तो इसको ऊपर की तरफ रखो, या ये वाला साइड नीचे रूट्स की तरफ जाएगा उसको नीचे की तरफ रखो, नहीं करते ना. सीड को हम ऐसे ही डाल देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में सीड चला जाता है, ऐसे ही होता है ना, गोल होता है सीड, हमें क्या मालूम उसके कौन सी साइड अप है कौन सी साइड डाउन है, ऐसा होता है. हम सीड को ऐसे ही डाल देते हैं. तो सीड ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू पुल्स, ड्यू टू ऑल द नेचुरल मैकेनिज्म, जो सीट की साइड ऊपर होती है वहीं से स्टेम उगती है, जो साइड नीचे होती है अर्थ की तरफ होती है वहीं से रूट आती है. आप सीट को किसी भी तरफ से डालो, ठीक है. व्हेन मेजर एनर्जी फ्लो इन प्लांट्स इज दैट द रूट्स आर साउथ सीकिंग. रूट्स क्या होती है, साउथ सीकिंग होती है, गोइंग डाउन इनटू द अर्थ, एंड द टॉप ऑफ द प्लांट इज नॉर्थ सीकिंग. वो ऊपर ही जाएगा टॉप, नीचे जाए, साउथ सीकिंग होती है रूट्स पॉइंटिंग टू द स्काई. द टू एनर्जी फ्लोज गो आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट लेवल विद द ग्राउंड. कि जो ग्राउंड लेवल पे है उससे अब उसको जो रूट से साउथ सीकिंग. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एनर्जी फ्लो का. हम रूट्स को जो एनर्जी हमें यूज करनी है फ्रॉम अप टू डाउन, हम प्लांट से यूज नहीं कर सकते ना, हम स्टेम से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेम की एनर्जी कहाँ फ्लो कर रही है, फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है. जहां पे हमें एनर्जी फ्लो यूज करना है फ्रॉम अप टू डाउन, वहां पे हम कहाँ क्या यूज करते हैं, रूट्स, रूट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि उनकी टेंडेंसी हमेशा ग्राउंड लेवल से नीचे जाने की है, फ्रॉम अप टू डाउन. और ऐसी किस चीज की एनर्जी है जो अप टू डाउन फ्लो करती है, आप मुझे बताइए. ऐसी किसी चीज की एनर्जी नहीं है इंस्टेड ऑफ रूट्स. सिर्फ रूट्स पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जो फ्रॉम अप टू डाउन फ्लो करती है, ठीक है. बाकी सारी चीजें फ्रॉम डाउन टू अप फ्लो करती है. हाइट बढ़ेगी, सारे पेड़ पौधे हमारी हाइट, हम सारी ऐसे हाइट बढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल को नकार देते हैं, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, वो अपने तरफ अर्थ की तरफ खींचती है ना. ग्रेविटी क्या करेगी, अर्थ की तरफ खींचेगी. तो जहां से आपको अब रूट्स का क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स अर्थ, इन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ. तो रूट्स हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, अर्थ एनर्जी के लिए, मैनिफेस्टेशन पर्पसेस के लिए. तो आप देखेंगे जो भी, जैसे हम ताबीज पहनते हैं उसके अंदर बहुत सारी रूट्स रखते हैं, या फिर तांत्रिक क्रियाओं में बहुत सारी रूट्स यूज होती है.
हर चीज की प्रॉपर्टी देखिए, नेचर में क्या वो प्रॉपर्टी और आपको वो कैसी प्रॉपर्टी अपने लिए चाहिए, ठीक है। ऑल्सो वी टॉक अबाउट स्केलर वेव्स, यू नो वॉट इज स्केलर वेव्स? स्केलर वेव्स क्या होते हैं, वॉट आर स्केलर वेव्स, कौन बताएगा? संगीता जी आपको मालूम है स्केलर वेव्स? नमस्कार राम जी सर, कैसे हैं? बस नमस्कार मैडम, टाइम थोड़ा चेंज कर दो, ये बहुत ऑकवर्ड पड़ सर रहा है। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, आप बस अब हमें ये बताइए स्केलर वेव्स क्या होती है। स्केलर रेस थोड़ा पता नहीं है मैडम, थोड़ा कुछ आइडिया दीजिए तो वो याद आ जाएगा। देखिए स्केलर वेव क्या होती है, स्केलर एनर्जी होती है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से पैरेलल होती है तो वो उसको फॉलो करती है। स्केलर वेव जैसे एक एटम की एनर्जी किसी डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरा एटम जो उससे अट्रैक्ट होके ना वो उसका पाथ फॉलो कर लेता है, ठीक है। वो स्केलर वेव होता है आपका प्लांट वर्ल्ड में। प्लांट वर्ल्ड होता है ये देखिए, ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, छोटा सा डायग्राम, बीच में सीड होता है, चारों तरफ प्लांट होता है ना? ऐसे होता है ना, रूट्स नीचे भी जाती है, साइड में भी आती है, स्टेम साइड से भी आती है, ऊपर भी होती है। तो प्लांट क्या करते हैं, स्केलर वेव देखकर वो पूरा 360 डिग्री पे आपका पूरा ग्रो कर जाएगा। द ह्यूमन एनर्जी फील्ड इज एक्चुअली अ स्केलर वेव विच इज अ स्टैंडिंग वेव दैट गोज आउट एंड रिटर्न्स बैक ट्रेवलिंग ऑन वेरी सेम वेक्टर ऑन विच इट वेंट आउट। अब स्केलर वेव जैसे एक ह्यूमन एनर्जी फील्ड में एक सेल को देखे दूसरा सेल सेल काम करता है, तो जिस ट्रैक पे वो जाता है उसी ट्रैक पे वो वापस आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगी एनर्जी, नीचे आ जाएगी एनर्जी, साइड में जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करके वापस। द प्री डोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स टर्न्स अराउंड एंड गोज द अदर वे ड्यूरिंग अवर स्लीपिंग आवर्स। देखिए जब हमारी वेकिंग आवर्स होते हैं, जो अभी हम उठे हुए हैं, तो कहाँ जाती है एनर्जी, जो मैंने बताया हार्ट फील्ड से आगे की तरफ। जब हम सो रहे होते हैं क्या होता है, रिचार्ज करने के लिए, कल हमने बात की थी ना, हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारे सारे चक्रास एब्जॉर्ब करते हैं, इनलेट हो जाता है एनर्जी का। तो जब हम सो रहे होते हैं तो पांच चक्रा धरती को देखते हैं, पांच चक्रास आसमान को देखते हैं, तो 10 चक्रास 10 चक्रास कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब द एनर्जी टू रिचार्ज अवर बॉडी। अब पोलैरिटी इन ह्यूमंस, व्हाट शुड बी द मेजर पोलैरिटी फ्लो इन द हेल्दी ह्यूमन एट द क्राउन ऑफ द हेड गिविंग और रिसीविंग, बताइए। अब बताइए हमारा जो क्राउन है वो गिविंग है या रिसीविंग है, बताइए इसकी पोलैरिटी। रामजी सर आपको याद है? रिसीविंग जी यस, रिसीविंग है। वो हम कैसे करेंगे, रिसीविंग अब आप देखिए, रब योर हैंड्स, चलिए करते हैं एक प्रैक्टिकल। रब योर हैंड्स अच्छे से, विग्रेसली, ओके। रब हो रहा है, चार्ज हो गए हाथ, हल्की सी झनझनाहट सबको महसूस हो रही है, थोड़ी सी वाइब्रेशन। अब अगर हम एक दूसरे के पास लाएंगे हाथों को, धक्का लगेगा। धक्का लगा, क्यों? क्योंकि हाथ एनर्जी दे रहे हैं। जब दोनों हाथ हमारे पाम एनर्जी दे रहे हैं तो वो मिलेंगे कैसे, क्योंकि बीच में तो एनर्जी आ गई, ठीक है। अब एक हाथ को ले जाके आप अपने सर पे रखिए और धीरे धीरे लाइए। आपको क्या ये धक्का लग रहा है? क्योंकि नहीं लग रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो, हाथ की आपकी एनर्जी क्राउन चक्र एब्जॉर्ब करके नीचे ले गया, ठीक है। तो हमारे क्राउन चक्र की एनर्जी क्या है, हमारे सर की एनर्जी एब्जॉर्बिंग है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम पूरे आसमान आकाश तत्व से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थ्रू क्राउन। और जब हम लेटे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं, तो हमारे सारे चक्रास रात को एब्जॉर्ब करते हैं। दिन में अभी हमारा क्राउन चक्रा और रूट चक्रा एब्जॉर्ब कर रहा है, धरती से रूट चक्रा कर रहा है, क्राउन हमारा आसमान से कर रहा है, ठीक है। तो ये है पोलैरिटी ह्यूमन बॉडी की। हेलो।